नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर के जो टॉप 5 स्टॉक्स है उसके बारे में। तो चलिए बारी बारी से हम उन स्टॉक के बारे में जानेंगे और उसके लेवल्स और टारगेट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स है काफ़ी समय से वेट कर रहे होंगे वीडियो आने का। तो इस वीडियो में हम बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे कि आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए अभी, या वेट एंड वॉच करना चाहिए, या मतलब आपको होल्ड करना चाहिए अगर आपने कोई पोजिशन ले कर रखा है, मतलब इन्वेस्ट कर रखा है, तो मतलब प्रॉफिट आपको बुक करना चाहिए, क्या ये बेस्ट सिचुएशन है प्रॉफिट बुक करने का। क्योंकि अभी इन्वेस्ट करने का सिचुएशन तो नहीं है, क्योंकि इन्वेस्ट करने के लिए हम वेट करेंगे कि मार्केट में एक करेक्शन आए तब जाकर के हम इन्वेस्ट करेंगे। अगर किन्हीं के पास पहले से पोजीशन है, इन्वेस्ट किए हैं या पोजीशन ट्रेडिंग के लिए लिए हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, उन्हें प्रॉफिट बुक करनी चाहिए या होल्ड करनी चाहिए। जब ट्रेड करते हैं तो हम छोटे छोटे पोजीशन बना सकते हैं, क्या लेवल्स और टारगेट होगा उसके लिए, तो सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर निफ्टी, देख लीजिए बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी में। निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई पे है, बैंक निफ्टी अभी थोड़ा सा मतलब अपने ऑल टाइम हाई से नीचे है। और यहाँ पर देखते हैं जो हमारा निफ्टी है वो अभी है 13,392, मतलब 13,400 जो कि ऑल टाइम हाई है निफ्टी का। यहाँ पर आप वीकली चार्ट पर लगाएंगे तो ये ऑल टाइम हाई यहाँ पर देख सकते हैं, पहले था हमारा 12,400, उससे 1,000 जो है ऊपर जा चुका है हमारा निफ्टी। जबकि हम सिचुएशन को लगातार ये बता रहे थे कि काफ़ी ख़राब है, कोरोना वायरस के कारण काफ़ी सारे बिजनेसेस प्रभावित हुए हैं। तो दोस्तों उन सारे सिचुएशंस को मतलब ओवरकम करते हुए निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई बना चुका है। तो काफ़ी अच्छा मतलब ये सिचुएशन है अभी कि हम प्रॉफिट यहाँ पर चाहें तो बुक कर सकते हैं जो भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे है उसमें। और बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी अभी है 30,261। तो यहाँ पर देखते हैं कि निफ्टी जो है ये भी अपना मतलब जो गिरावट आया था वहाँ से अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो गिरावट जो आया था उस समय जो बैंक निफ्टी था हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल 32,600, उससे भी ऊपर था 32,600, इससे भी ऊपर था बैंक निफ्टी। तो अभी भी जो हमारा बैंक निफ्टी है 2,000 लगभग नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से। तो बैंक निफ्टी में पोटेंशियल अभी बाकी है, लेकिन बहुत सारे केसेस हैं जो हमारा लॉकडाउन पड़ा, बिजनेस जो प्रभावित हो उसका बैंकिंग सेक्टर पे काफ़ी प्रभाव पड़ा, मॉरेटोरियम है, बहुत सारे केसेस हैं, जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट का जो मार्जिन है बीच का वो बैंक का घट रहा है, तो जो प्रॉफिट है बैंक का वो डिक्रीज होगा। तीन सारे कारणों से जो हमारा बैंक निफ्टी है वो थोड़ा सा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो इन सब बातों को आपको याद रखना है। यहाँ पर दो सिचुएशन बनती है, अगर बैंक निफ्टी हमारा ऑल टाइम अपने हाई पर रीच करता है तो बैंकिंग स्टॉक्स में और ज़्यादा आपको आगे मोमेंटम देखने मिल सकता है, और ज़्यादा बैंक किंग सेक्टर के जो स्टॉक्स है उसमें तेजी आ सकती है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से मोमेंटम नहीं दिखाता है तो फिर हमारा जो है अभी सही टाइम है प्रॉफिट बुकिंग का। तो इसलिए आपको कहते हैं कि जीरोधा में अकाउंट ओपन कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसमें क्या कर सकते हैं आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अभी जो हम लेवल्स और टारगेट बताएंगे अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो है, जो कि हम पहले भी आपको बताए थे बैंकिंग सेक्टर स्टॉक, उसमें हम आपको बताएंगे कौन से लेवल पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, उसको ब्रेक करता है तो आप प्रॉफिट आपका बुक हो जाएगा, अदरवाइज आप उसमें बने रहेंगे। जैसे जैसे ऊपर जाता है स्टॉक तो स्टॉप लॉस को भी ऊपर लेते जाएंगे। तो ये स्टॉप लॉस सिर्फ आप जीरोधा में लगा सकते हैं, जो पोजिशनल ट्रेडिंग होता है इन्वेस्ट जो आप करते हैं उस सारे स्टॉक में, क्योंकि वहाँ GTT ऑर्डर हमारा प्लेस होता है और कोई चार्जेज नहीं लगता है GTT ऑर्डर का अलग से। तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि जीरोधा में अकाउंट ओपन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप जीरोधा में चाहें तो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। जीरोधा में आपका अकाउंट जरूर निश्चित से निश्चित रूप होना चाहिए, डिस्काउंट ब्रोकर है, मात्र 20 रुपीज़ पर ट्रेड आपको चार्ज लगता है अगर आप इंट्राडे करते हैं, डिलीवरी में कोई चार्ज नहीं लेता है जीरोधा। तो सबसे पहले हम स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं, जो 5 स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर के, आपने लेवल्स देख लिया। बैंक निफ्टी हमारा अभी भी 2000 पॉइंट नीचे है ऑल टाइम हाई से, और निफ्टी जो है हमारा 1000 पॉइंट अपने ऑल टाइम हाई से ऊपर था, मतलब जो पीछे हमारा गिरावट आया था कोरोना वायरस से पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले HDFC बैंक देख लेते हैं। HDFC बैंक देखते हैं, अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी खींच सकते हैं, या आपको हमने बताया है सिंपल 50 डे का मूविंग एवरेज लगाना है, 200 डे का मूविंग एवरेज, जो सिंपल लॉजिक आपको बताया, जब ये इससे काफ़ी ऊपर चल रहा है तो आपको प्रॉफिट वहाँ पर बुक करना है, साथ साथ ट्रेंड लाइन भी खींचना है, ट्रेंड लाइन जब जब ब्रेक करे आपको वहाँ पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाना। तो देख सकते हैं इस तरह से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि ये हमारा ट्रेंड लाइन है, तो ट्रेंड लाइन को यहाँ पे भी थोड़ा सा ब्रेक किया था, ये जो ट्रेंड लाइन लगातार ऊपर की ओर है, और यहाँ पर फिर देखना है ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है तो कंसोलिडेट हो रहा है। यहाँ से हो सकता है कि HDFC बैंक फिर से रैली दिखाए और यहाँ पर जो अपना पहले का हाई बनाया था लगभग
1460 रुपीज से ऊपर का हाई बनाया था, तो वहाँ तक पहुँच सकता है फिर से। तो ये कंसोलिडेट हो रहा है HDFC बैंक, जिसके कारण बैंक निफ्टी भी हमारा कंसोलिडेट हो रहा है लगातार। तो इसमें आपने देख लिया लेवल्स जो है हमारा, अगर यहाँ से नीचे आता है जो 1376 रुपी अभी है, तो यहाँ से नीचे आता है तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो बस स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते चलना है। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब अभी मौका है, अगर अभी आप पोजिशन बनाना चाहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, आप अभी बेस्ट मतलब टाइम है इसमें बना सकते हैं और स्टॉप लॉस अपना जस्ट इसके नीचे मतलब 1300 के आसपास रख सकते हैं, अगर अभी कोई HDFC बैंक में पोजीशन बनाता है तो उनके लिए। उसके बाद दूसरा है हमारा ICICI बैंक के, यहाँ पर देख सकते हैं ये अपना 500 रुपीज़ प्राइस पे अभी चल रहा है। तो ये स्टॉक जो अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं किया है, अगर आप HDFC बैंक का जो हमारा था ये अपने ऑल टाइम हाई पे अपना पिछला जो हाई था ऑल टाइम वो ब्रेक कर चुका है। तो आप देखना चाहते हैं तो वीकली चार्ट को लगाना है, वीकली चार्ट पर यहाँ पर देखते हैं इसका जो ऑल टाइम हाई है वो लगभग 560 रुपीज़ है और अभी हमारा ICICI बैंक जो है 500 रुपीज़ पे ही है। तो अभी भी इसे काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें पोटेंशियल बाकी है। ऐसे सिंपल आपको हमने बताया है कि 200 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज को लगाना है, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है, ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करेंगे। तो अभी ये स्टॉक अभी जो है बुलिश मोड में भी है, यहाँ पर देखते हैं अगर आप मेजर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पर देखते हैं अभी भी ये अप है, तो ट्रेंड लाइन काफ़ी अप है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है, यहाँ पर अगर गिरावट आती है तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा कर रखिए 500 के नीचे, अगर 500 के नीचे आता तो प्रॉफिट बुक हो जाएगा, क्योंकि 500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, 500 एक राउंड लेवल है। तो 500 बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका सपोर्ट का काम करेगा, अगर उसको ब्रेक करता है तो आप वहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। कोई अभी फ्रेश पोजिशन बनाता है तो थोड़ा सा उनके लिए सिचुएशन काफ़ी कठिन है डिसीजन लेना कि अभी फ्रेश पोजिशन बनाएँ या नहीं बनाएँ, क्योंकि जो फिर 560 है वो भी एक रेसिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई है तो वहां पर भी रेसिस्टेंस फेस कर सकता है ये स्टॉक। जब 350 रुपीज़ पर था वहीं उसी टाइम हमने बार बार बताया था कि आप इस स्टॉक में चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बेहतरीन स्टॉक है हमारे मतलब अपने सेक्टर का लीडिंग बैंक है HDFC बैंक ICICI बैंक। तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स है ये, चाहे तो आप पोजिशन बना सकते हैं। अगर ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता है 560 को तो एक बड़ा रैली वहां से आपको देखने इसमें मिल सकता है, फिर 600-700 का लेवल भी देखने मिल सकता है। तो कुछ भी लेवल आए बस जस्ट स्टॉप लॉस मतलब जीरोधा में अकाउंट रखना है, जस्ट स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है, तो जो कि काफ़ी अच्छा रहता है। जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसका जो इम्पॉर्टेंट अभी लेवल है वो है 500 है, उसको ब्रेक करता है तो फिर आपको 470 इसके आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। तो अगर करेक्शन आता है तो मार्केट में गिरावट आती है तो सारे स्टॉक में करेक्शन आपको देखने मिलेगा, जो कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है इन्वेस्ट करने का। तो जब भी गिरावट आए तो एकदम आँख बंद करके आपको उसमें इन्वेस्ट करना है, फिर वेट एंड वॉच करना है। और कब आपको बाय करना है कोई भी स्टॉक, जब 500 डे का मूविंग एवरेज 200 डे का मूविंग एवरेज इसके जस्ट नीचे हो। तो ये जो हमारा मूविंग एवरेज है ब्लू लाइन, ये हमारा 200 डे EMA है, और ये जो हमारा देखते हैं येलो लाइन है ये हमारा 50 डे का मूविंग एवरेज है EMA है। तो इसके ऊपर काफ़ी जब चला जाए तो हमें प्रॉफिट बुक करना होता है, इसके काफ़ी जब नीचे आ जाए तो जब इसके नीचे था यहाँ पर आपको बाय करना था एक्सिस बैंक को, और अभी देखते हैं अभी प्रॉफिट बुकिंग का समय है, या आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा करके वेट कर सकते हैं या प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो एक्सिस बैंक भी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे चल रहा है, मतलब इसमें भी आप वेट कर सकते हैं, इसका ऑल टाइम हाई है 830 रुपीज़, तो उससे काफ़ी नीचे अभी भी ये स्टॉक है। और कोरोना वायरस से पहले भी जो गिरावट आया था तो 750 की रुपीज़ था इसका प्राइस, तो वहाँ से भी काफ़ी नीचे है ये स्टॉक। तो अभी इन सब भी स्टॉक में काफ़ी पोटेंशियल बाकी है, मतलब काफ़ी ऊपर प्राइस जा सकता है यहाँ से। ऐसे अभी देख रहे हैं ये ट्रेंड लाइन जो फॉलो कर रहा था वहाँ से ये कंसोलिडेट हो रहा है, कंसोलिडेट के बाद अगर यहाँ से रैली दिखाता है 640 को क्रॉस करता है तो एक आगे बड़ा मोमेंटम इसमें देखने मिल सकता है। तो इसका भी इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल है वो 600 है, 600 को ब्रेक करता है तो एक करेक्शन भी देखने मिल सकता है। तो करेक्शन तभी ज़्यादा आने की संभावना है जब मार्केट में करेक्शन आए, क्योंकि हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, अगर वहाँ से 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट करेक्ट होता है तो सारे स्टॉक में कुछ ना कुछ गिरावट आपको देखने मिलेगा। फिर है हमारा कोटक महिंद्रा बैंक, ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है और
यहाँ पर देख सकते हैं ये भी स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त रैली किया था यहाँ से। तो जब ये 50 डे का मूविंग एवरेज के यहाँ जस्ट नीचे था तो यहाँ पर आपको बाय करना था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है हमारा लगातार एक ज़बरदस्त रैली दिखाया और यहाँ पर फिर से ये करेक्शन कर रहा है। जब ये 1900 लेवल को पहुँचा वहाँ से करेक्शन मतलब अब कर रहा है, करेक्ट हो रहा है कुछ समय के लिए, और यहाँ से रैली दिखाता है फिर 1920 को क्रॉस करता है, 1900 एक तरह से 50 को क्रॉस करता है, तो एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। अगर वीकली चार्ट पर देखें तो ये भी स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ऊपर निकल चुका है। यहाँ पर देखते हैं ये भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ऊपर निकल चुका है। तो HDFC बैंक, कोटक बैंक ये अपने ऑल टाइम हाई से ऊपर निकल चुका है। तो HDFC बैंक और कोटक बैंक खास करके दोनों एक जैसा सिमिलर चलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ऊपर निकल चुका है और यहाँ पर कंसोलिडेट भी कर रहा है, और इसका जो मेजर सपोर्ट लेवल होगा वो हमारा होगा 1730 रुपीज़, क्योंकि ये पिछला हमारा ऑल टाइम हाई था तो ये अब सपोर्ट के जैसा काम करेगा। और ये स्टॉक लगातार यहाँ पर देखते हैं कि 1200 से लेकर के 1900 तक के लेवल तक रैली दिखाया, तो 700 रुपीज़ का ये रैली था जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट ज़बरदस्त रैली था, और सितंबर से लेकर के अभी तक में ये रैली देखने मिला तो जो कि काफ़ी बेहतरीन था। तो इस तरह से आपको चैनल पर बने रहना है और लगातार स्टॉक पर नज़र बनाए रखना है, जिससे आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं इस चैनल पर। उसके बाद हमारा है इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक देख सकते हैं ये भी हमारा यहाँ पर ज़बरदस्त रैली किया, ये स्टॉक देखते हैं यहाँ से ये 600 से लेकर के 900 के ऊपर तक का रैली दिखाया है, और यहाँ से थोड़ा सा ये करेक्ट हो रहा है स्टॉक, और करेक्शन के बाद अगर फिर से रैली दिखाता अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता है 950 रुपीज़ से ऊपर जाता है तो एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। ये भी स्टॉक अपने 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे चल रहा है, मतलब ऑल टाइम हाई से जो है काफ़ी नीचे चल रहा है। देख सकते हैं इसका ऑल टाइम हाई है 2000 रुपीज़, और कोरोना वायरस जो पैंडमिक हमारा आया था, गिरावट जो आया था उससे पहले भी ये स्टॉक हमारा 1600 के आसपास चल रहा था, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा गिरावट आया और मात्र 400 रुपीज़ में ये स्टॉक आपको मिल रहा था। तो यहाँ से जैसे आप ऊपर चलता है तो इसमें काफ़ी आगे पोटेंशियल बाकी है। अगर बात करें कोई फ्रेश पोजिशन बनाता है तो यहाँ पर फ्रेश पोजिशन बनाने के लिए अभी आपको देख सकते हैं ये 200 डे का जो मूविंग एवरेज है, 50 डे का जो मूविंग एवरेज है उसे काफ़ी ऊपर चल रहा है स्टॉक, तो आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मतलब एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है, और उसके साथ आप पोजीशन चाहे तो बना सकते हैं छोटे क्वांटिटी के साथ, मतलब क्वांटिटी आपकी कम होनी चाहिए, स्टॉप लॉस भी छोटा होना चाहिए, मतलब जस्ट 900 उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, पोजीशन आप चाहे तो बना सकते हैं। और अगर इसमें जब एक रैली आता है तो उसका आप मोमेंटम का फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी 2000 पॉइंट कम है अपने ऑल टाइम हाई से, 2000 पॉइंट जो कि काफ़ी बड़ा पॉइंट है। अगर 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी रैली करता है तो निश्चित ही ये स्टॉक भी आपको 100 पॉइंट तक रैली कर सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा कि बैंकिंग सेक्टर के जो टॉप 5 स्टॉक से क्या करना चाहिए, आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। अगर होल्ड करना है, जीरोधा में अकाउंट है तो काफ़ी बेहतरीन है कि आप स्टॉप लॉस लगा करके उसको होल्ड कर सकते हैं। अगर मतलब रैली दिखाता है आपको यहां से कोई भी स्टॉक 100 पॉइंट 200 पॉइंट तो अच्छा खासा प्रॉफिट आप वहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और किसी भी स्टॉक के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें, आपको स्टॉक के मार्केट के बारे में बताते रहें।